जिंद में रोकी गई सवारियों से भरी हुई ट्रेन। किसानों ने आज रेलवे और हाईवे को किया बाधित। अभी तक शांतिपूर्वक चल रहा है किसानों का भारत पर्व। नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग में हो रही दूषित पानी की सप्लाई। पेयजल लाइन से सांप निकलने से लोगों में मचा हड़कंप। गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप आज से शुरू। 900 से ज्यादा बूथों पर किया जाएगा टीकाकरण। बुजुर्गों की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे वॉलंटियर। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय आगरा ने की बड़ी कार्रवाई। 700 करोड़ का फर्जी कारोबार चलाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अन्नदाताओं का भारत बंद। जी हां, आज किसानों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को धार देते हुए भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं बता दें, मकडोली और मदीना टोल पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। रोहतक नेशनल हाईवे 9 नंबर पर मदीना टोल के पास किसानों ने जाम लगा दिया है। इसी के साथ ही जिंद में सवारियों से भरी हुई ट्रेन को भी रोक दिया गया है। किसानों ने आज रेलवे और हाईवे को भी बाधित किया हुआ है। हालांकि हालात अभी तक शांतिपूर्ण चल रहे हैं। वहीं जिंद सब्जी मंडी में भी बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है। तो आज किसानों का भारत बंद है। ऐसे में ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिंद में सवारियों से भरी ट्रेन को रोका गया है। साथ ही सब्जी मंडी पर भी इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। और साथ ही बता दें, रोहतक से पानीपत जाने वाला हाईवे किस तरह से वाहनों की लंबी कतारें दिख रही हैं, ये साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है। वाहनों की लंबी लंबी रास्तों पर लाइन लगी हुई है। दिल्ली पुलिस जो है बॉर्डर पर मौजूद है और ऐसे में चेकिंग के लिए जगह जगह पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिनसे साफ तौर पर स्थिति किस तरह से आज बनी हुई है, क्या कुछ पूरे दिन में होने वाला है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज किसानों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है और इसका कई जगहों पर असर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसका असर नहीं देखा जा सकता है। हालांकि देखिए, जिंद की जो सब्जी मंडी है वहां पर पूरी तरह से असर देखा जा सकता है। दुकानदार वहां पर अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं लेकिन लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में किस तरह से इस बंद का असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, ये तीसरी तस्वीर से आप देख सकते हैं। रोहतक पानीपत हाईवे पूरी तरह से जाम है। एक तो सोमवार का दिन, ऊपर से ये समय 10 से 11 12 का समय ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इसी टाइम पर ज्यादातर लोग अपने अपने दफ्तरों की ओर जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को रूट डाइवर्ट होने की वजह से इस तरह की जाम जैसी स्थिति से जूझना पड़ रहा है। जबकि वाहनों की लंबी लंबी लाइन कई जगह पर देखने को मिल रही है। ये रोहतक पानीपत हाईवे है। ऐसा ही नजारा कुछ नोएडा में भी देखा जा सकता है, गाजियाबाद में भी देखा जा सकता है। जबकि दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैनात है। चेकिंग के लिए भी सब जगह चेकिंग की जा रही है और इसीलिए पूरा पुलिस प्रशासन सख्त है। हालांकि लाल किले की बात कर ली जाए तो दिल्ली में लाल किले पर भी सुरक्षा काफी ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। तो बता दें, आज से किसानों का भारत बंद का किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका असर कहीं पर देखा जा रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा। ऐसे में असर ये देखने को मिल रहा है कि यात्रियों से भरी ट्रेन भी किसानों ने रोक दी है और कई लोगों के जीवन पर साफ तौर से इस भारत बंद का असर देखा जा सकता है। बता दें, इसका भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, सुबह 6 बजे से किया गया, शाम को 4 बजे तक रहेगा। और राकेश टिकैत भी खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर घर से निकलना है तो शाम को 4 बजे के बाद ही निकलें, अगर उससे पहले निकलेंगे तो जाम जैसी स्थिति से आपको जूझना पड़ सकता है।
रुद्रप्रयाग में नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में जल संस्थान की पेयजल लाइन से सांप निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। ऐसे में स्थानीय लोगों में विभाग के प्रति खासा आक्रोश बना हुआ है। उनका आरोप है कि विभागीय लापरवाही की वजह से उपभोक्ताओं को कीड़े मकोड़ों वाला पानी सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब पानी में मरे सांप भी निकलने लगे हैं, जिस वजह से लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। बता दें कि सालों से नगर क्षेत्र की जनता दूषित पानी पीने को मजबूर है। ऐसे में बरसात के दिनों में स्थिति इतनी भयावह बन जाती है कि स्थानीय लोगों को गंदे पानी का सेवन ही करना पड़ता है। ऐसे में लोग बीमार भी हो जाते हैं और ऐसे में नगर क्षेत्र की जनसंख्या 15,000 के करीब है और सभी को पुनार गदेरे का पानी ही सप्लाई होता है। वहीं जल संस्थान के पीटर नवीन भंडारी ने बताया कि पुनार गदेरे के ऊपर चिनगवार और गवार थापली मोटरमार्ग की कटिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से नगर क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है और पेयजल लाइनों से कीड़े मकोड़े के साथ ही सांप भी निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में पेयजल लाइन खोलने पर मरा हुआ सांप भी निकला है। सर, ये नलों में जो है कि ऐसे पहले तो ये है कि गंदा पानी आता है, गंदे पानी में फिर ये कीड़े मकोड़े और ये सांप निकलते रहते हैं, क्योंकि हमारे व्यवसाय होटल का है। अब लोगों को हम खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, है कि नहीं? सर, ऐसा हुआ दो दिन से मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा जी। मैंने कहा पता नहीं क्या कारण है, आज संडे था, दुकान बंद थी, मैं यहाँ पर पानी खोला है, तो ये जल संस्थान के फिल्टर साहब भी आ गए। मैंने कहा इनको बोलो, मैंने मेरे इसको चेक करो, इसमें पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। अब वो पानी प्रेशर चल रहा है पर आ नहीं रहा, उसमें खोले तो सांप सीधा आधा बाहर आ गया। वो सांप जो है आधा टूट रखा था, वो भी हमने बाहर खींच दिया है। और ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि ये सीधे सीधे जो है करोड़ों रुपये आ रहे हैं इस फिल्ट्रेशन के जल संस्थान के पास, लेकिन जो है ये आम जिंदगी जो है लोगों की जो है ख़राब कर रहे हैं इस प्रकार का पानी पिला के। और ये मेरे घर का नल है, कनेक्शन है घर का, हम इसी नल का पानी पीते हैं और इस प्रकार से हमें पिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बीमारी ज़्यादा इन्हीं की वजह से है। ये बीमारी कुछ नहीं है, ये सब ही कर रही है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार के मैंगलोर में आयोजित सभा में पहुंचे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए पहुंची और इसके बाद चंद्रशेखर ने मैंगलोर में स्थित काजी मोनीश के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी की, जहाँ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भीम आर्मी पुरजोर चुनाव लड़ेगी और खास तौर पर हरिद्वार जिले की सभी सीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और किसी अन्य पार्टी से गठबंधन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये फैसला उत्तराखंड प्रभारी करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन होगा। आजाद समाज पार्टी बीजेपी सरकार ने केवल पिछड़े और मजलूम लोगों का उत्पीड़न किया है, ये सरकार केवल दलित और मुस्लिम समाज के लोगों के वोटों के साथ ही खिलवाड़ कर रही है। आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आज मंगलोर की धरती पे जो जन सैलाब उमड़ा है वो इस बात की गवाही दे रहा है। आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि जनता आजाद समाज पार्टी के साथ है, यही जनता वोट देती है। और जितने लोग आज यहाँ आए थे वो तो दो विधायक बना दें मुझे ऐसा लगता है, और अगर उनके परिवार के लोग भी साथ खड़े हो जाएँ तो पाँच विधायक बन जाएंगे। इतने तो लोग आज यहाँ मौजूद थे जो सैलाब यहाँ था। मैं मानता हूँ कि आजाद समाज पार्टी जो काम कर रही है, भीम आर्मी ने जो मेहनत की है पिछले 5 साल में, जो विश्वास बना है अपने संघर्ष की बदौलत, उससे आजाद समाज पार्टी के प्रति जनता में समर्थन है और जनता के वोट से आजाद समाज पार्टी हरिद्वार में, अभी हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं उत्तराखंड की नहीं, हरिद्वार में बड़ी ताकत बनेगी। हमारा काम पहाड़ में भी चल रहा है और पहाड़ में बहुत जल्दी हम इससे बड़ी रैली करके आप लोगों को दिखाएंगे। पूरी साजिश है और मैं साजिश का पर्दाफाश कर देता हूँ। सारी एजेंसियाँ सरकार के सहारे पर काम करती हैं, आप सब जानते हैं। यूपी चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर 4.5 साल में उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा हो। तो माहौल बनाने के लिए वो ये चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पे आए, अपने हक़ के लिए वो सड़कों पे आए और बीजेपी के लोग, सरकार के लोग उन पर गोलियाँ चलाएं और एक माहौल बनाए हिंदू मुसलमान का। लेकिन जनता जो है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो तमाम लोग जो उन्होंने 7 साल की केंद्र की सरकार और जो 4.5 साल की उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की सरकार देखी, वो लोग टूट चुके हैं, उनका विश्वास चरमरा चुका है।
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज नगला डेयरी फार्म में ठेके में काम करने वाले मजदूर के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। इस बैठक में उन्होंने कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप, विधायक राजेश शुक्ला और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट की तरफ से सीधा सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि बीजेपी की सरकार के समय पंतनगर में ठेके में जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों का बहुत शोषण किया जा रहा है और उनको महीने में 15 दिन ही काम करने दिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, इसके लिए हमने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था कि ठेके के कर्मचारियों को महीने में 26 दिन ड्यूटी दी जाए जिससे ये अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर सके। पंतनगर नगला डेयरी फार्म में हम लोग कांग्रेस की यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पंतनगर के अंदर हमारा ठेका मजदूर कर्मचारियों का आज बहुत शोषण हो रहा है और 2003 के बाद इनका शोषण चालू हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त हुआ, और 2003 के पहले के हमारे बहुत सारे साथी हैं उनको आज ठेके में यहाँ जबरदस्ती काम करने को मजबूर किया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। 10 साल से यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं किसी क्षेत्र में यहाँ ना कोई यहाँ पंतनगर के अंदर विकास की बात रही। हम लोगों ने यहाँ पंतनगर आकर धरना प्रदर्शन भी करा, इसी डेयरी फार्म में हमने धरना प्रदर्शन करा कि 26 दिन का हमारे ठेका कर्मियों को रोजगार मिलना चाहिए, और हम घंटाघर जाके भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उस दिन माननीय विधायक हमारे आए और उन्होंने कहा नहीं साहब, आप 15 दिन 16 दिन भी दे दो तो चलेगा। हम लोगों का मकसद नगला डेयरी में इसलिए खड़े हुए, हम ये चाहते हैं आपके स्थान के ही लोग, आपके स्थानीय लोगों को में से ही जो आपके सुख दुख में हमेशा 24 घंटे काम आता हो, ऐसे आने वाले लोगों को मौका देने की आवश्यकता है। यहाँ के स्थानीय विधायक विगत 10 साल से क्या काम कर रहे हैं ये सबके सामने है। केवल अब तो बरसात खत्म होगी, जुमलों की बरसात करने जा रही है सरकार। अब आने वाले 3 महीने के अंदर आचार संहिता लगने वाली, ये सब जुमलेबाजी है। कार्य कुछ नहीं होना है। 3 मुख्यमंत्री 5 साल के अंदर लगभग बदल दिए हैं, इन विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा, जनता जान चुकी, महंगाई चरम सीमा पर। धन्यवाद। देखिए ये बैठक इसलिए है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है। ठेका कर्मियों से लेकर पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब हालत में है। ना पंतनगर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, ना राज्य विश्वविद्यालय में है। इसको चुनावी जुमलेबाजी से देखा जा रहा है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा होकर मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए स्थानीय जो नेता हैं हमारे कांग्रेस के उन सबको 2022 में किसी को विधानसभा में जाने का प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों का भारत बंद डोईवाला में सफल रहा। किसानों को स्थानीय व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया तो कांग्रेस भी खुलकर आज किसानों के समर्थकों समर्थन में उतर आई है। और ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा, सुरेंद्र सिंह बॉबी और कांग्रेस नेता गौरव चौधरी ने कहा कि किसानों के समर्थन में अब पूरे देश के लोग आगे आ रहे हैं। आज जिस तरह से व्यापारियों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है वो दर्शाता है कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ अब लोग एकजुट होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए और एमएसपी पर गारंटी नहीं दी तो सरकार को वोट की चोट से सबक सिखाया जाएगा। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय आगरा ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। दरअसल फर्जी फर्म खोलकर 700 करोड़ रुपए के फेक इनवॉइस जारी कर 102 करोड़ की टैक्स चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें पकड़ा गया मास्टरमाइंड नितिन वर्मा है, जिसने साल 2017 से 2019 के बीच फर्जी आधार नंबर और पैन नंबर से करीब 126 फर्जी फर्म अलग अलग राज्यों में पंजीकृत और उनके बीच बिना माल का लेनदेन किए करीब 700 करोड़ के फर्जी इनवॉइस बिल और ईवे बिल जारी करके करीब 102 करोड़ के टैक्स की चोरी और आईटीसी क्लेम कर ली। आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ये नितिन वर्मा केस की शुरुआत हम लोगों ने जो है दिसंबर 2019 में की थी, जो हमारे पास इनपुट आया था कि ये शख्स जो है काम करने वाले हैं, फेरी करने वाले हैं, इस तरीके से जो डेली कमाते हैं और खाते हैं
उनके आधार और पैन कार्ड लोन या फाइनेंस कराने के बहाने उनसे लेकर के उनके नाम पर जीएसटी की फर्जी फर्म जो है बनाना उनके रिकॉर्ड पर, और वो रजिस्ट्रेशन उसका करवाया, फिर बिना किसी माल की सप्लाई के सिर्फ पेपर पे जो है बिल ईवे बिल के साथ में वो इनवॉइस जो है जनरेट करता था, जिससे राजस्व की हानि बहुत होती थी क्योंकि माल आता नहीं था, जो है खाली वो जो भी रेसिपिएंट है वो अपना जो है आईटीसी ले लिया करता था। तो इस तरीके से जो है इनपुट आया, तो जब हमने इस पर वर्क करना शुरू किया तो इसमें चार पांच जगह से ये लोग जो है अपना काम कर रहे थे, और ये मोबाइल में और लैपटॉप में अपना जो है पूरा रैकेट जो है लेकर के चलते थे। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं इसमें। दिसंबर में हम लोगों ने सर्च की और उसके बाद जनवरी 2020 में, 27 जनवरी 2020 में चंद्र कृपलानी जो इनका साथी था उसको अरेस्ट किया, वो इस समय अपने जमानत पे जो है चल रहा है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसकी तर्ज पर आईटीबीपी के जवानों ने साइकिल यात्रा का आयोजन किया। ये साइकिल रैली 15 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से शुरू होकर सभी राज्य घूमकर रविवार को हरिद्वार पहुंची, जहां हरिद्वार के लोगों ने उनका स्वागत किया। बता दें, असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी प्रदीप कुमार ने बताया कि हरिद्वार से ये साइकिल रैली देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचेगी और इस रैली की लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर रहेगी। साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र सेनानियों की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाना है। अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से एक पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया गया था, और उसके उपरांत पूरे देश में इस प्रकार के ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये साइकिल रैली भी उसी कार्य जो अमृत महोत्सव है उसी का एक भाग है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक श्री संजय अरोड़ा जी के मार्ग निर्देशन में ये साइकिल रैली 15 अगस्त 2021 को ईटानगर से आरंभ हुई थी और विभिन्न स्थानों से होती हुई ये हरिद्वार पहुंची है, और ये फर्दर ये रैली देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद होते हुए 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर ये राजघाट पर पहुंचेगी। डिस्टेंस हम जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस 3000 के किलोमीटर ये तय की जाएगी हमारी साइकिल रैली रिले साइकिल रैली द्वारा, और इसमें 12 मुख्य पदाधिकारी और 5 आरक्षित पदाधिकारी इस रैली में शामिल है। उत्तरकाशी में आज़ादी के 7 दशक बाद भी ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिसकी एक बानगी डूंडा विकास खंड के बल्ला गांव में देखने को मिल रही है, जहां ग्रामीण दशकों से सड़क की राह देख रहे हैं लेकिन अभी तक उनके गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर गए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण गाँव के मंदिर परिसर में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा चुनाव का वो लोग बहिष्कार करेंगे। आप लोग अगर किसी अधिकारी को हमारी आवाज पहुंच रही हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि बल्ला के लोग जिनके ढूंढर बाजार में रहने का कोई नहीं है, बेरोजगार हैं और वो एक महीने का कमरे किराए पे लेते हैं, इसलिए बल्ला वालों का अधिकारियों से निवेदन है, विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी बल्ला वालों की सड़क की मांग को पूरा करें। पौड़ी मुख्यालय में बद्रीनाथ धर्मशाला में यूकेडी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नव निर्वाचित चंद्रमोहन गुसाई को यूकेडी केंद्रीय पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस अवसर पर जिला सह प्रभारी समीर मुंजे केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा गया। साथ ही केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत ने संगठन को मजबूत बनाने और बूथ लेवल पर गठन करने की बात कही। इस दौरान यूकेडी पदाधिकारियों ने बीजेपी कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों पर जमकर हल्ला बोला। साथ ही प्रदेश में भू कानून मूल निवासी परिसीमन को प्रदेश के विकास के लिए जरूरी भी बताया। और जो शायद बड़ी कांटों भरी राह होगी और जिसके लिए मैं तैयार भी हूँ, और निश्चित रूप से
ये मांग रहा है कि हमारी पीड़ा हमारा जो दर्द है इसे कौन दूर करे, और एकमात्र प्रलय उपरांत जिसने राज्य को बनाने में जो है अपना बलिदान दिया, अपने जो है माता बहनों का जो है किस तरह से जो है ये जो हमारा क्रांतिकारी जो आंदोलन था, किस तरह उन्होंने अपने जो है भूख किया, किस तरह जो है वो बीहड़ जंगलों में रहकर के जो है आज वो प्रांत प्राप्त कर पाए हैं। उस लड़ाई में उपरांत अपने पा लिया है, लेकिन सही मायनों में उन शहीदों ने जिस सपने के साथ में जो उपरांत की जो है न्यू सोची थी, बुनियाद सोची थी, जो है भारी लोगों को ले चुके हैं, और भू कानून की जो बात नहीं करते हैं, जबकि जो है हम चाह रहे हैं कि हमारा भू कानून 1950 हिमाचल की तर्ज पर जो है तुरंत जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अगर ये सरकारें वास्तव में चाहती हैं कि उत्तराखंड का भला हो, तो क्यों ये जो हमारा भू कानून को जो है इस जो आगामी चुनाव है उससे पहले क्यों नहीं घोषणा कर देती है। सबसे पहले तो जनता जनार्दन होती है, और मैं सबसे पहले जनता के साथ मीटिंग करूंगी। एक जनता अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किस तरीके से वो लोग हमारी पौड़ी विधानसभा के अंदर देखना चाहते हैं, किस तरीके से उसको आगे हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी कमियाँ हैं उसको पूरी की जा सकती है। सो दैट क्या है कि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, और हमें भी पता है कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा असुविधा है। हमारी सारी कमेटियाँ गठित हो रही है, जिले गठित हो रहे हैं, पूरे जिले गठन हो गए, इसी क्रम में पूरी जिला में गठन हो रहा है। हमारे चुनाव की पूरी रणनीति इस टाइम पे हम विगत चुनाव की भांति जो विगत हम नहीं कर पाए हैं, जो कामयाब पिछली चुनाव में रही है उन्हें दूर करते हुए इसमें हम पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है और स्वतंत्र चुनाव। हरदोई के सांडी थाना इलाके के आदमपुर गांव के रहने वाले शेर बहादुर उर्फ शेरू का शव गांव के बाहर पेड़ से लटकता पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वृद्ध की खुदकुशी के इस मामले में परिजनों ने अलकाई पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बता दें मृतक के बेटे दीपू का आरोप है कि 6 महीने पहले उसका भाई विपिन स्थानीय थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली लड़की को भगा कर ले गया था। नाबालिग के परिजनों ने उसके भाई के खिलाफ बहला फुसला कर ले जाने का मामला दर्ज कराया था, और इस मामले में उसके भाई ने थाने पहुँच कर सरेंडर किया था। दीपू का आरोप है कि पुलिस ने उसे 2 दिनों तक थाने में रखा। इस दौरान 3 दिन पहले 23 सितम्बर को उसका भाई पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए परिजनों पर दबाव बना रही थी। सूचना पर इलाकाई पुलिस के साथ सीओ बिलग्राम विशाल यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह प्रकरण थाना सांडी जनपद हरदोई का है। एक युवक दीपू के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उसके पिता शेर बहादुर, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष है और जो शराब पीने के आदि थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और देखा कि मृतक शेर बहादुर का शव एक पेड़ की डाल के सहारे, एक फंदे के सहारे लटका हुआ है। इस पर फील्ड यूनिट के द्वारा शुरुआती छानबीन की गई, जांच पड़ताल की गई, उसके बाद मृतक शेर बहादुर के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी, और पुलिस छानबीन कर रही है, हर एंगल पे पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, और शीघ्र ही इसमें कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। इसमें मैं सर ये जा रहा हूँ कि अकबरपुर के जो लड़की वाले हैं उन्होंने पुलिस वाले को घूस दिया, 40,000 रुपये दिया, ठीक है, और उसके बाद मेरे भैया को हम लोगों ने खुद सिलेंडर किया, पकड़ गया हम लोगों ने खुद सिलेंडर किया। उसके बाद वो 2 दिन को मेरे भैया को इन्होंने थाने में रखा। हाँ, और जरा आप ही बताओ, और वो थाने से अपने आप क्या फर भाग जाएगा क्या? हाँ, और इसके जिम्मेदार सर पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले को हाथ से कोई भी आदमी के हाथ पकड़ के भाग जाएगा क्या? हाथ छुड़ा के भाग जाएगा? आप बताओ आज क्या घटना घटी है? आज सर घटना यही घटी है, मुझको बहुत मारा। किसने मारा आपको? किसने भाई था? देवा सर ने। देवा सर ने जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।